एपिडेमियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल, आप सिंपली कह सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट नाम से ही पता चलेगा कि ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। जो वेरिएबल किसी और वेरिएबल की वजह से चेंज होता है, इसमें चेंजेस आती है, उसको हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो वेरिएबल की किसी वेरिएबल से उसमें चेंजेस नहीं आती, उसको हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूं कि जिन लोगों की एज ज्यादा है उनकी वेट क्या होगी या हाइट क्या होगी, तो हाइट या वेट किस चीज से बढ़ती है, एज की वजह से होती है ना। एज तो हाइट की वजह से नहीं बढ़ रही ना, हाइट जरूर एज की वजह से क्या होती है, बढ़ रही है, या वेट जरूर एज की वजह से क्या होती है, बढ़ रही होती है। तो एज हम कौन सी कैटेगरी में लिखेंगे, इंडिपेंडेंट में। कहां पर लिखेंगे, और डिपेंडेंट में क्या लिखेंगे, वेट या हाइट। अब जैसा ही मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं ना कि बाय बर्थ वेट कितनी होती है, 2.5 से 4 केजी होती है। हम ये कहते हैं कि 4 to 5 मंथ्स वेट क्या होती है, डबल होती है। तो ये डिपेंड किस चीज पे होता है, एज पे होता है ना। हम ये कहते हैं कि बच्चे की बाय बर्थ वेट क्या है, 2.5 से लेकर 4 तक है। ये कब डबल होती है, 4 to 5 मंथ्स में ही डबल होती है। 4 to 5 मंथ्स में क्या होती है, डबल होती है। तो ये यहां पर अगर मिसाल के तौर पर बाय बर्थ वेट एक बच्चे का क्या है, 3 केजी था, तो यहां पर कितना होगा, 6 केजी। तो 6 केजी किस चीज पे डिपेंड है, एज पर। जब बच्चे की उम्र 4 या 5 या उस रेंज तक पहुंच जाती है, उसकी वेट क्या होगी, 3 केजी से क्या किस तरफ जाएगी, सेक्स की तरफ। तो यहां पर केजी वेट डिपेंड करता है किस चीज पे, एज पे। एज हमारे पास किस चीज में है, मंथ्स में है। यहां पर, यहां पर ईयर्स में नहीं है, मंथ्स में है। हम बात करते हैं कि ट्रिपल कब होती है वेट, 10 मंथ से लेकर 1 ईयर तक या 12 मंथ तक क्या होती है, ट्रिपल होती है। तो यहां पर अगर वेट बाय बर्थ कितना था, 3 था, यहां पर क्या आ गया, 9 तक पहुंच गया। 9 तक कब पहुंच गया, 12 मंथ की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या है, वेट है यार, वेट आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये किस चीज पे डिपेंड करता है, एज पे डिपेंड करता है। तो ये आपके पास कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, जो के दूसरे वेरिएबल में चेंजेस के साथ उस वेरिएबल में भी चेंजेस आती है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आना, बच्चे का उम्र पैदाइश से लेकर 5 महीने तक पहुंचना, डेफिनेटली इसमें चेंजेस आएगा। तो ये कौन सा वेरिएबल आपका पास हो गया, डिपेंडेंट हो गया। और ये जहां पर इसमें और चेंजेस हो गया, ये 12 मंथ तक पहुंच गया एज, तो यहाँ पर वेट आपके पास क्या हो गया, 9 केजी हो गया। तो डिपेंडेंट वेरिएबल वही वेरिएबल है जिसमें दूसरे वेरिएबल के चेंजेस के साथ उसमें भी चेंजेस आती है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैटर नहीं करती है दूसरे वेरिएबल पे। कोई दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग, हाँ। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा आपके पास क्या आएगा, डिजीज होगी आपके पास, या आउटकम होगी, क्या होगी, आउटकम। यहां पर आपके पास क्या होगा, एक्सपोजर और रिस्क फैक्टर। मैं ये कहूंगा ना कि जहां पर रिस्क फैक्टर ज्यादा है, वहां पर डिजीज की चांसेस क्या है, ज्यादा है। जहां पर किसी भी चीज के बंदा एक्सपोज होता है, वहां पर आउटकम जरूर होंगे। समझ रहे आप लोग, मिसाल के तौर पर मैं ये कह दू कि जो लोग एक्सपोज है किस चीज को, स्मोक कर रहे हैं, स्मोक करते हैं, यहां पर आउटकम क्या हो सकती है, मेरे पास हार्ट डिजीज या लंग कैंसर एंड सो ऑन हो सकते हैं ना। ये आउटकम किस चीज पे डिपेंड करता है, एक्सपोजर पे करता है। यहां पर अगर कोई रिस्क फैक्टर है तो डिजीज की चांसेस ज्यादा है, रिस्क फैक्टर नहीं है तो डिजीज की चांसेस नहीं है। तो ये वेरिएबल, ये डिजीज और ये आउटकम किस चीज पे डिपेंड करता है,
एक्सपोजर पे डिपेंड करता है और रिस्ट्रक्टर पे करता है, लेकिन ये चीज एक दूसरे, ये चीज इस पे डिपेंड नहीं है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। क्लियर है आपको? और एग्जांपल दे दे कोई, आप अपनी क्लास की एग्जांपल ले रहे हैं कि मिसाल के तौर पर स्टडी आवर्स, नंबर ऑफ स्टडी आवर्स, आप हफ्ते में कितने घंटे पढ़ रहे हैं और आपका जीपीए कितना आएगा, तो इसमें जीपीए क्या आएगा आपके पास, कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। नंबर ऑफ स्टडी आवर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि अगर आपके स्टडी आवर ज्यादा होंगे तो आपकी जीपीए से क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, आपकी जीपीए बढ़ सकती है। आपके स्टडी आवर कम होगी तो आपकी जीपीए कम हो सकती है, स्टडी, लेकिन स्टडी आवर आपके पास कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर है आपके पास?